हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन विद डिग्री ऑफ टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इस तरह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डिग्री मीन्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होता है इक्वेशन का, उसे हम डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। इस इक्वेशन में मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है वो 2 के इक्वल होती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है 6x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरह लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरह लिखा हुआ है x² प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं x³ प्लस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो अब देखिए इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है इस इक्वेशन का वो 3 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 3 के इक्वल हो गई। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है वो 2 होती है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरह लिखा हुआ है x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं x^4 प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x^4 प्लस 1 2x². अब इस इक्वेशन में देखिए जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है इस इक्वेशन का वो 4 के इक्वल है। तो अभी हमने पढ़ा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री वो 4 के इक्वल है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 से कम या 2 से ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।